आज लेके आए हैं ऑपरेशन ऑन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस, और उसकी सॉल्यूशन मैं बताऊंगा और आपको इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज क्लास 8 के चैप्टर ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, कह रहा है न्यूमेरिकल कॉफिशियंट, कौन सा कॉफिशियंट निकालना है? न्यूमेरिकल कॉफिशियंट पता करना है किसका भाई? न्यूमेरिकल कॉफिशियंट पता करना है 8xqyz2। अब देखो लो यहाँ पे 8 जो दिख रहा है आपका ना, 8 ये आपका हो गया न्यूमेरिकल कॉफिशियंट। अब यहाँ पे बता दे, एक टर्म आपको दिख रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है ये होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब जैसे देख लो, अगर मैंने लिख दिया एक्स प्लस टू, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अगर हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस जेड, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, और अगर हमने लिख दिया फाइव प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अब ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या प्लस की जगह माइनस भी रह सकता है, फाइव एक्स माइनस थ्री वाई। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों? क्योंकि सब में कहीं ना कहीं किसका यूज हुआ है? कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का यूज हुआ है। ठीक है, अब आप देख लोगे यहाँ पे इसके अलग अलग टर्म है, वन टू थ्री, इसमें वन और टू। अब यहाँ पे टर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा? अब जो भी पार्ट्स होता है किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जो सेपरेट किया जाता है किसके द्वारा? अब देखो टर्म बता देते हैं आप लोगों को, टर्म क्या है? पार्ट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट्स को प्लस या माइनस से जो सेपरेट किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। जैसे अगर आप देख लो, अगर हमने लिख दिया 2x प्लस 3, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? यहाँ पे हो गए टू टर्म्स। कौन कौन से? एक हो गया 2x और दूसरा हो गया 3, है ना? अगर हमने लिख दिया यहाँ पे सीधा सीधा लिख दिया 2x, तो सिर्फ इसमें कितने टर्म हो गए? सिर्फ एक टर्म होंगे। कितने टर्म होंगे? सिर्फ एक टर्म। अब मैं बता दूँ, अगर एक टर्म होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ वन टर्म को मोनोमियल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ टू टर्म को बाईनोमियल। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो हमारे पास थ्री टर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? थ्री टर्म। जैसे देखो, अगर हमें लिख दिया एक्स प्लस जेड प्लस टू, इसमें कितने टर्म हो गए? थ्री टर्म्स हो गए। कौन कौन से टर्म्स हो जाएंगे? तो ये एक टर्म्स हो जाएगा एक्स, दूसरा टर्म हो गया जेड, और तीसरा टर्म हो गया टू। अब ये तीन टर्म है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्री नो मियल। क्या बोलते हैं? ट्रीनोमियल्स। ठीक है, अब जनरली होता क्या है कि जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हो उसमें, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विथ पावर ऑफ वेरिएबल, अगर उसके पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाते हैं? होल नंबर। क्या होना चाहिए? होल नंबर्स। अगर उसकी पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो जाएंगे? होल नंबर। तो इसको जनरली हम लोग अब एक नए कैटेगरी में बांट देते हैं और उसको बोलते हैं हम लोग पॉलीनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलीनोमियल, याद रखना। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? पॉलीनोमियल।
अब इसका मतलब जितने भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे वो सब पॉलिनोमियल होंगे? नहीं, अब अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका केवल क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए पावर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। जैसे अब देख लो यहाँ पे एक्स पी पावर माइनस टू प्लस थ्री वाई, अब ये तो आपका क्या हो गया, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन अब ये नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर देख रहे हैं ना, यहाँ पे पावर ऑफ एक्स इज माइनस टू है ना, विच इज नॉट होल नंबर, जो क्या नहीं है, होल नंबर्स नहीं है। तो भाई अगर होल नंबर नहीं होंगे तो उसको हम लोग क्या नहीं बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको टर्म्स तो मैंने बता दिया, ठीक है, अब बता देते हैं आपको कौन सा लाइक टर्म्स, रिवाइज करवा रहा हूँ। अब ये लाइक टर्म्स क्या होता है, कोई भी टर्म्स हैविंग सेम वेरिएबल एंड पावर, अगर किसी का पावर और वो वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, तब उसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्म्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपके सामने डाल दूँ, चलो देखो यहाँ पे 3x square, ठीक है, 4x square, 15x square, ये सब क्या है, लाइक टर्म हो गए। क्यों? क्योंकि सब में वेरिएबल कौन सा है, x, अब पावर कितना है, 2। चलो देख लेते हैं 3xy square है ना, अब ये नॉट लाइक टर्म, ये लाइक टर्म्स नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल तो x और y है, वेरिएबल इसमें x है, इसमें y है, इसमें भी x है और y है, लेकिन यहाँ पर इसके पावर हो गया 1 और यहाँ पे पावर कितना दिया हुआ है, 2, तो पावर नहीं मिला ना, इसे लाइक टर्म नहीं बोलेंगे। चलो आगे बात करते हैं। अब बात आती है कि जब हम लोग ऐड या सबट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ऐड या सबट्रैक्ट। अब ऐड और सबट्रैक्ट किसको करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म, जो लाइक टर्म होता है ना उसके कोएफिशिएंट को हम लोग या तो ऐड करते हैं या तो सबट्रैक्ट करते हैं। यह बात याद रखेगा, कुछ एग्जांपल बता दूं मैं आपको। चलो देखो, जैसे अगर आपको दिया हुआ है 2x square plus 3x square plus 5x और -2x, अब यहाँ पे देख लो कि आपका लाइक टर्म हो गया कौन सा, ये दोनों लाइक टर्म हो गया ना, क्योंकि इसका वेरिएबल x है और पावर 2 है, ये दोनों लाइक टर्म हो गया क्योंकि इसमें वेरिएबल x है और पावर सबका कितना होता है, अगर नहीं कुछ दिया है तो पावर 1 होता है। अब देख लो, अब मैंने बताया कि किसको ऐड करना है, कोएफिशिएंट को। अब देख लो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया, अगर हम बात करें तो इसके कोएफिशिएंट हो गए क्या चीज, x, इसके कोएफिशिएंट हो गए 3, अभी दोनों का ऐड करते 2 + 3 = कितना, 5x square, ठीक है, अब इसके कोएफिशिएंट हो गए 5 और इसके कोएफिशिएंट हो गए 2, तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 - 2 = 3x। अब समझ में आ गया, ऐड किसको करना है, कोएफिशिएंट को। लेकिन सबसे पहला टर्म है कि भाई वो लाइक टर्म होना ज़रूरी है। अब देख लो, अगर आपको दिया हुआ है क्या चीज़, अगर आपको दिया हुआ है 3x square y + 4x square y square + 3x square y square - 5x square y, तो सबसे पहला काम क्या करना है, लाइक टर्म को अरेंज कर लो, शुरुआत में अरेंज करो, बाद में आदत सी पड़ जाएगी। जैसे यहाँ देख लो, अब यहाँ पे ये वाला टर्म x square y है, ये भी x square y है, तो लाइक टर्म हो गया है कि नहीं, और इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 3, इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया 5,
तो एक्चुअली में ये हो गया 3 - 5 कैच इज एक्स स्क्वायर वाई। चलो अब बात करते सेकंड वाले का, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लाइक टर्म हो गया। अब इसके कॉफिशेंट को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये होगा 4 + 3 x² y² ठीक है। अब इतना तो ऐड करने आता है कि 3 में से 5 किया तो कितना हो जाएगा, -2 x² y, और 4 और 3 कितना हो गया 7 x² y² कन्फर्म है। कुछ ऐड समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हॉरिजॉन्टल लिखते हैं ऊपर नीचे, वो भी दिखा देते हैं हम आपको। अब देख लो यहाँ पे है 2x + 3y + 5z और यहाँ पे है -3x - 2y + 6z और यहाँ पे है -9z + 6y और इस तरीके से अरेंज करते जब क्वेश्चंस दिया रहेगा तो +11x है ना। अब इसको करना है आपको ऐड, क्या करना है ऐड, ठीक है। ऐड लिया चाहे सबट्रैक्ट, सबको सिंप्लीफाई बोलते हैं हम लोग। चलो आपको करके बता देते हैं। अब देख लो यहाँ पे ये सब लाइक टर्म है क्योंकि जेड वाले हो गया। यहाँ पे सबसे पहले 5 और 6 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 + 6 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 में से 9 को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो आंसर हो गया इसका +2z, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे, यहाँ पे 3 प्लस में और 6 भी प्लस में, तो 3 और 6 9, और 9 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताना 7, 9 में से 2 जाएगा तो 7, तो ये हो गया 7y। अब देख लो यहाँ पे इसकी बात करते हैं, इसमें ये वाला प्लस में और ये वाला प्लस में, तो 11 और 2 13, 13 से 3 गया तो 10, तो ये हो गया 10x। अभी हॉरिजॉन्टल मेथड से भी आप ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट, ऐड और सबट्रैक्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी सी हम लोग बात कर ले किसका, मल्टीप्लाई का, ठीक है। चलो कर लेते हैं मल्टीप्लाई की बात। अब देख लो मल्टीप्लाई क्या करते हैं, अब देख लो जब भी आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, तो मल्टीप्लाई, तो इस बात का याद रखना है मल्टीप्लाई में पावर ऑफ सेम वेरिएबल को क्या करना है, ऐड कर देना है। अगर सेम वेरिएबल है तो उसकी पावर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, पहली बात। और दूसरा बात क्या ध्यान दे रहना है, कांस्टेंट नहीं कोएफिशिएंट, किसकी बात करते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट का, कोएफिशिएंट, ठीक है। नॉर्मली मल्टीप्लाइड, जो कोएफिशिएंट होता है उसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं, दो बात याद रहेगा, ठीक है। चलो करके बताते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देख लो आप। पहला एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, 2x को मल्टीप्लाई करो 2 से। अब देख लो यहाँ पर ये केवल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 जाए 4x। अभी दूसरे क्वेश्चंस देख लो, अगर हमने लिख लिया 2x * 3x, अब देख लो यहाँ पे 2 3 जा 6, ये मोनोमियल है, एक एक टर्म वाला है, और ये जो दिख रहा है आपको x, इसका कोई पावर नहीं होता, तो पावर होता है 1, इसके पावर होता है 1, तो पावर जुड़ गया तो कितना हो जाएगा 2। चलो अभी देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास दिया हुआ 2xy * 3x²yz³, अब यहाँ पे देख लो क्या करेंगे आप। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट देखना है, तो इसका 2 और इसका 3, तो इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो तो 2 3 जाए 6। अब देख लो यहाँ पर x पे पावर कितना 1, यहाँ पे x पे पावर 2, तो 1 और 2 3, तो x पे पावर हो गया 3। अब देखो यहाँ पे y पे पावर कितना 1, यहाँ पर भी y पे पावर कितना 1, तो ये हो गया y पे पावर 2, और z तो यहाँ पे है ही नहीं इस पहले वाले टर्म में, दूसरे वाले टर्म में 3 है, तो लिख दो भाई z पे पावर, मोनोमियल का मल्टीप्लाई समझ में आ गया। चलो अब देखते बाइनोमियल का,
क्या देखते हैं? बाइनोमियल का। क्वेश्चन नंबर 4, अब देख लो x से, ये 2x से आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 में। किसे मल्टीप्लाई करना है? x प्लस 3 में। अब यहाँ पर ये मोनोमियल हो गया और ये बाइनोमियल हो गया। चलो देख के बताओ अब इसको करना क्या है, पहले तो नॉर्मल समझ लो, बाद में ब्रेन से कर लेना। अब ये 2x को पहले कर देना x के साथ मल्टीप्लाई, और जो साइन यहाँ पर वो साइन जनरली जैसे वैसे डालना है, प्लस का साइन। फिर से 2x को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ। अब तो समझ में आ रहा क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि इसका पावर 1 और इसका पावर 1, और ये होगा 2 × 3 = 6x। समझ में आ रहा? चलो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको हमने दे दिया 5x² y, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको x² y प्लस xy² प्लस 3xyz। अब देख लो कितना बड़ा सा है, लेकिन आपको घबराना नहीं है और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। सबसे पहला 5x² से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको? 5x² y से मल्टीप्लाई करना है x² y को, ठीक है? फिर मल्टीप्लाई करना है किसको? फिर आपको मल्टीप्लाई करना है x 5x² y को xy² से। अब फिर करना है 5x² y को किसे? 3xyz से। तो अब देख लो क्या हो जाएगा, फटाफट समझ में आ जाएगा। देखो 5 न्यूमेरिकल तो कुछ नहीं लिख दिया 5, अब यहाँ पे x square, ये हो गया x^4, यहाँ पे y और यहाँ पे y, तो यानी एक एक y करके पावर कितना हो जाएगा 2। पहले का टर्म हो गया, अब दूसरे का देख लो, दूसरे में 5 और चलो अकेला 5 है। चलो अब देख लो x² और x, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, तो पावर हो गया x^3। अब y यहाँ पे कितना? 1, और यहाँ पे 2, तो y पे भी पावर कितना हो गया? 3। अब एक और देख लो लास्ट वाला, 5 × 3 = 15, तो 15 लिख दिया हमने, और x² और x हो गया कितना? पावर 3। y² और जेड तो बेचारा अकेले है, तो लिख दो जेड। आगे ना आंसर, अब आपने मोनोमियल से बाइनोमियल का देखा, अब मोनोमियल से ट्रीनोमियल का देखा, मतलब एक टर्म से दो टर्म वाले को और एक टर्म से तीन टर्म। अब ये एक टर्म के साथ कितने भी टर्म रहे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा और आगे देखते हैं हम लोग। अब आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देख लो यहाँ पे है 2x + 3y, यानी ये बाइनोमियल, और इसको मल्टीप्लाई करना फिर से 3x + 5y, ठीक है? अब ये भी बाइनोमियल और ये भी बाइनोमियल, तो सिंपल फंडा अपनाना है। अगर बाइनोमियल की जगह पर मोनोमियल रहता है तो क्या करते, तो आप ऐसे लिखते हैं, पहले इस 2x से सबको करना है, इसको भी और इसको भी, फिर ये 3x से इसको भी और 3x से इसको भी, यानी इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। चलो करके बताते, यानी पहले 2x को मल्टीप्लाई कर देना है 3x + 5y से, और फिर प्लस 3y को मल्टीप्लाई कर देना है 3x + 5y के साथ, ठीक है? चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अब अगर आप 2x इसको मल्टीप्लाई कर, 2 × 3 = 6x², पावर ऐड हो गया 6x². अब 2 से इसको करें, 2 × 5 = 10xy, है ना? क्योंकि ये दोनों का पावर वेरिएबल अलग अलग है, तो पावर का तो कुछ कर नहीं सकते। अब इसको देख लो, 3 से करो, तो 3 × 5 = 15 y और x है, तो ये हो गया xy, पहले x को लिखो फिर y को लिखो। अब 3 × 5 = 15, y और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y²
अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, बाद में होता है क्या है कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो कभी कभी फिर से लाइक टर्म मिल जाता है। देखो लाइक टर्म है ना, अब इसमें 10xy है और इसमें 15xy, तो टोटल कितना xy होगा जल्दी बताना। ये हो गया आपको 25xy है ना, प्लस 15y2। अब नहीं, आपने तो मल्टीप्लाई भी सीख लिया, सीख लिया ना मल्टीप्लाई, और कुछ बताना है? अब कभी कभी बड़ा मल्टीप्लाई रहता है तो कैसे करते हो वही बता देते हैं हम आपको। अब देख लो, बड़ा मल्टीप्लाई रहे तो उसको हॉरिजेंटल ऊपर नीचे लिख दो, जैसे 2x+3y2 -5 को मल्टीप्लाई करना है 3x-2y है ना, और माइनस कितना 3। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, करना क्या है आपको मल्टीप्लाई। अब मैं बता दूं, जो आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हो ठीक है, वो किधर से करते हैं आप? राइट हैंड साइड से शुरू करते हो, लेकिन इसका मल्टीप्लाई लेफ्ट से होता है। अब 3x से पहले 2x करो, तो 3 2 जा 6, और x से x को करेंगे तो कितना x2। अब फिर 3 से 3 से 3 3 जा 9xy2 है ना, पहले इससे कर दिया सबको है ना। अब 3 5 जा -15x, अब 3x से तो कर दिया, अब किसको क्रॉस करेंगे भाई? तो ये जो पहला वाला टर्म है उसको यहाँ पे क्या कर देना है, क्रॉस, जैसे हम लोग करते थे ना, जीरो डालते थे। अब ये 2x से करना है मल्टीप्लाई, किससे करना है? अब आपको करना है इस 2x से, इस 2x से करो सेकेंड टर्म में। अब 2 2 जा 4, वो भी कितना में, -4xy हो गया, 2 2 जा 4 -4xy ठीक है। अब इससे करेंगे तो प्लस माइनस, फिर से माइनस, और 2 3 जा 6y3 ठीक है। अब फिर से 2 5 जा +10y हो गया। अब किससे करना बाकी है? अब आप करोगे किससे? आप करोगे 3 से, किसको? 2 को। लेकिन पहले तो कर लो क्रॉस, ये तो पहले से था क्रॉस। अब देख लो, 3 से कर लिया था, 2y से कर लिया था, -3 से करेंगे तो माइनस का साइन है, तो पहले डालो माइनस का साइन, और 3 2 जा 6x हो गया। अब 3 फिर से माइनस और प्लस, ये हो गया माइनस, और 3 3 जा 9y2 ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -3 और -3 +15। अब इस सबको क्या करना है, ऐड कर देना है। अब इधर से ऐड करो तो 6x2 हो गया ना। अब इसमें देख लो कि ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, ये एक्स वाई है और ये एक्स वाई स्क्वायर है, भाई लाइक टर्म नहीं ना है, तो लाइक टर्म है तो नहीं है, तो उसको ऐड नहीं करेंगे, ऐसे लिख देंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो होगा प्लस क्या चीज़, 9xy2 -4xy हो गया। अब इसमें देख लो क्या ये दोनों लाइक टर्म है भाई, हाँ ये एक्स वाला और ये एक्स वाला, तो 15 और 6 -21x, और भाई क्यू वाला तो है नहीं, तो ऐसे ही लिख दो -6y3। अब ये वाला बच गया कौन सा, ये दोनों 10x -9y2, यहाँ लिख दो वहाँ जगह नहीं है, तो +10y, क्योंकि उसका तो कोई लाइक टर्म नहीं है, -9y2 अब +15। अब ये जब भी जैसे भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर लाइक टर्म नहीं है तो ना तो हम ऐड करेंगे ना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ लाइक टर्म का करेंगे ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कितना हो गया, 8। मोनोमियल मतलब कितना है, मोनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कितना टर्म, 1 टर्म। अब इसमें लाइक टर्म खोजना है, तो ये स्क्वायर वाला है, ये एक्स वाला है, ये क्यू वाला है, ये एक्स वाला है, ये फोर वाला है, यानी कि ये एक्स वाला है दोनों, इसके अलावा कोई लाइक टर्म नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 2x और -4।
फाइव एक्स लाइक टर्म समझ में आ गया। अब इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट बताना है, तो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट क्या हो जाएगा, थ्री, और इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट हो जाएगा कितना, नई कोई टर्म है ना, तो इसका न्यूमेरिकल कॉफिशेंट हो जाएगा वन। अब चलो क्वेश्चन नंबर फाइव बता देते हैं। फाइव में निकालना क्या है, एरिया। तो बताओ भाई एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 3x, अब ब्रेथ है 5y। अब आपको पता है कि ये 3 और 5 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो कितना होगा 15, और एक्स वाई तो है नहीं लाइक टर्म, लाइक टर्म रहेगा तभी तो पावर को उसको ऐड करेंगे, तो ये सिंपल हो जाएगा एक्स वाई, क्या हो जाएगा एक्स वाई, आंसर हो जाएगा 15xy है ना स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लो थोड़ा सा, अब इसे फैक्टराइज करना है किसको, इसमें देख लो जरा सा, 3xy है, यहाँ पे 9x दो बार है और y 3 बार है, इसमें एक एक बार है, तो जो ज़्यादा बार रहता है वही लेना है, नहीं कॉमन में जो कम बार रहता है वो लेना है। तो यहाँ पे ले लो 3 और x और y ले लिया। अब देख लो, अब इसमें 3xy चला गया था, यहाँ कुछ नहीं बचा, तो क्या बच गया 1। अब उस 3 से 3xy से इसको डिवाइड करो, यानी 9x स्क्वायर y क्यूब को आपको डिवाइड करना है 3xy से। अब देख लो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, तो पावर 1 बच गया, तो ये अगर कैंसिल कर देगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x, इससे ये कैंसिल करेगा तो यहाँ बच जाएगा वाई स्क्वायर, और 3 से 3 करेंगे तो 9, यानी यहाँ पे बच गया आपका प्लस 3xy स्क्वायर, हो गया ना फैक्टराइज। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में क्या करना है, 7 में सभी तो भी बताया था 7x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर को डिवाइड करना है किससे, 21xyz से। अब देख लो भाई 7 से तो 21 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, आ गया 3, 7 1 7 और 7 3 21। अब देख लो यहाँ पे पावर 2 है और यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो ये नीचे से ऊपर जाके तो घट जाता है, या तो ये समझो ऊपर में दो बार है नीचे में एक बार, कितने बार बचेगा ऊपर में एक बार, यानी सबसे पहला तो हो गया 1/3 और x बच गया एक बार, ऊपर में y दो बार और एक बार नीचे, तो एक बार y ऊपर बच गया और z ऊपर में दो बार नीचे एक, तो कैंसिल होके एक बार बच गया, तो आंसर हो गया 1/3xyz। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है किसमें से, यानी 7x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y, कितना बड़ा सा है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको भाई, इस पूरे में से आपको सब्ट्रैक्ट करना था किसको, 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 3। अब जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो भी जिसके सामने भी माइनस का साइन होता है, याद रखना इस बात को, अब इसके सामने ये माइनस का साइन है, ये जितने भी साइन होंगे ना ये सब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। अब देख लो ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 4xy, ऊपर वाले को तो कुछ चेंज नहीं करना है, प्लस 8y स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y। ठीक है, अब इसका साइन चेंज कर लिख दो, तो माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, प्लस आराम से देखो 4y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 3, कर दिया ना अरेंज, नहीं अभी तो हमने सिर्फ साइन चेंज किया, अब आपको लाइक टर्म देखना है, क्या देखना है लाइक टर्म, चलो खोजते हैं लाइक टर्म और देखते हैं आंसर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 7x स्क्वायर है और माइनस 5x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला और कहीं नहीं है,
तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना हो गया 2x स्क्वायर। अब देख लो ये एक्स वाई वाला है, एक्स वाई वाला कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, तो एक्स वाई वाला कहीं नहीं है तो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4xy, चूँकि ऐसा कहीं नहीं था। ठीक है, चलो अब देखते हैं नया। और यहाँ पे आप देखो 8y स्क्वायर, अब वाई स्क्वायर और कहीं है, हाँ यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यानी हो गया प्लस 12y स्क्वायर। ठीक है, अब चलो देखते हैं कोई नेक्स्ट x वाला, यहाँ 5x है और कहीं है? नहीं है, तो सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 5x। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, और देखते हैं ये वाला, ये माइनस में 3y और माइनस में 6y, तो दोनों नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा माइनस 9y। बेचारा अकेला क्या बच गया, अकेला बच गया है केवल कौन सा 3, तो लिख दो 3, है ना। तो क्या आंसर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 12x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अब ये देखोगे तो करना तो है ऐड, लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, तो पहले कर लो मल्टीप्लाई, 4y से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, क्या हो जाएगा 12y पे पावर 3। अब यहाँ इससे इसको कर तो 4 5 20y स्क्वायर। अब फिर से 4 से करना 7 को, 4 7 28y माइनस 28y। चलो पहला वाला को तो कर दिया, अभी आपको सेकंड करके बताते हो, तो 2 से करो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2, ऐड करना है तो प्लस कर दो, 2y³ माइनस 4 2 8y² और 5 2 10। अब इसको ऐड करना है तो अब देखते हैं हम लोग फिर वही काम, कोई लाइक टर्म मिलता है कि नहीं, हाँ ये y³ ये भी y³, तो 12 और 2 14y³। अब ये y² ये भी y², लेकिन सबट्रैक्ट करेंगे तो 20 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 12y². अब भाई ये दोनों वाला टर्म जो है वो अकेला है, तो माइनस 28y, और ये भी भाई साहब क्या है, ये भी बिल्कुल अकेला ही है, तो इसको लिख दो प्लस 10। आ गया आंसर 9 का, है ना। अब कौन सा देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 10, वो भी फटाफट देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या सिंप्लीफाई करना है, यानी सबसे पहले आपको करना है मल्टीप्लाई, a प्लस बी को a प्लस बी से किसको 2a माइनस 3b प्लस सी को, और उसमें से माइनस करना है आपको क्या चीज़, 2a माइनस 3b, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, चलो ये देख लेते हैं, सिंप्लीफाई करना है तो 2a माइनस 3b, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, सी से, चलो कोई बात नहीं नॉर्मल लिख देते हैं। तो अब a से पहले करेंगे, देख लो पहले किससे करना है इसको, अगर देखोगे तो पहले a से करना है पूरे को, तो a से करेंगे 2a को तो 2a स्क्वायर, फिर a से करेंगे 3b को तो माइनस 3ab, फिर a से करेंगे c को तो ac, अब b से करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab, फिर करेंगे तो माइनस 3b स्क्वायर, सही है, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा bc, ठीक है, क्या हो जाएगा bc, वहाँ दिख नहीं रहा है यहाँ लिख देते हैं प्लस bc। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करते हैं, c से इसको करेंगे तो माइनस 2ac, और माइनस माइनस प्लस 3bc, हो गया मल्टीप्लाई। अब देख लो भाई लाइक टर्म अगर है तो ठीक है, नहीं तो जनरली जैसे लिखते हो वैसे ही लिख दो। चलो a स्क्वायर वाला कहीं है, कहीं है, कहीं है, नहीं है,
ए बी वाला यहाँ है, ए बी वाला ये है, ए बी वाला और कहीं ना है ना ए बी वाला, तुम 3 AB चला जाएगा 2A, पहले तो 2A² लिख दो, और 2AB में से 3AB जाएगा तो माइनस क्या बच जाएगा, ए बी। अब ए सी वाला देख लो, ए सी वाला, ए सी वाला यहाँ है ए सी और यहाँ भी है ए सी, और एक ए सी में से 2 AC जाएगा तो माइनस ए सी बच जाएगा। अभी कौन बच गया, B², अरे कहीं नहीं है B², तो लिख दो -3B². अब देखो बी सी वाला यहाँ है, अब बी सी वाला यहाँ है तो टोटल कितना बी सी, 4 BC। सॉल्व हो गया ना क्वेश्चन नंबर 10। अगले दिन और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, इस पूरे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है ध्यान से। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, खुद भी पढ़ो और दूसरे को भी पढ़ने में हेल्प करो।